नमस्कार, आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। कल हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी, बुढ़ेना गांव में गुजर चौक पर एक स्कॉर्पियो कार ने एक बाइक सवार को रौंद दिया और हमने जो हालत देखी थी, स्कॉर्पियो कार ऊपर थी और बाइक नीचे थी और इन लोगों ने जानकारी दी थी, स्कॉर्पियो कार को उठाकर बाइक सवार को बाहर निकाला और उसके बाद उसको 3 नंबर ESI हॉस्पिटल ले जाया गया और वहाँ से किसी निजी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। अब यहाँ पर ये लोग आए हैं खेड़ी पुल पुलिस थाना के बाहर, ये पुलिस से कुछ मांग कर रहे हैं। कोई परिवार का है? आप हैं? नमस्कार। कौन है जो घायल हुआ है, क्या नाम? हमारा आदमी। क्या नाम है उसका? सुशील। सुशील कहाँ एडमिट है? सनराइज हॉस्पिटल में एडमिट है, 3 नंबर में। पहले ESI हॉस्पिटल में एडमिट? हाँ, वहाँ एडमिट थे। वहाँ कौन ले गया था उनको? कौन? मैडम ले गई थी पर इलाज नहीं हुई। अच्छा, जिसने वो कुचला था वही मैडम ले गई। हाँ। कौन से हॉस्पिटल? सनराइज हॉस्पिटल है, 3 नंबर में, उसमें है। अच्छा, तो कितना खर्चा बता रहे हैं, क्या खर्चा बता रहे हैं, क्या इलाज बता रहे हैं, कहाँ चोट आई उसको? चोट उनके पैर में भी चोट है और देखो ये शोल्डर है, ये यहाँ पे कंधे में, ये दोनों हाथ भी काम नहीं कर रहे उनके और पैर 3 जगह से टूट चुका है। तो क्या वो मैडम इलाज करा रही हैं उसका? देखो मैडम ने कोई पैसा वैसा देने को तैयार है? कल उन्होंने ट्रीटमेंट कराया था। अच्छा, स्कॉर्पियो का नंबर बताइए, क्या नंबर है? स्कॉर्पियो का नंबर है 51B। एक मिनट। हाँ, 51। हाँ, BE। हाँ, 4777। हाँ, मैं भी पढ़ देता हूँ, HR 51BE 4777, ये स्कॉर्पियो कार का नंबर है। तो मैडम का नाम क्या है, जानते हो? मैडम का नाम सलोनी शर्मा। सलोनी शर्मा नाम है। क्या करती हैं वो? वो मैम टीचर है, मुकुल स्कूल में। अच्छा, कौन से स्कूल? मुकुल स्कूल है। कहाँ पर है? बुढ़ेना गांव में। उसमें बुढ़ेना गांव में कोई मुकुल स्कूल है और उसी में वो टीचिंग का काम करती है। अच्छा, अभी इलाज करा रहे हैं कि नहीं? अभी तो नहीं करा रही है। नहीं करा रही। कोई पैसा कुछ भी दिया है थोड़ा बहुत? नहीं, कोई पैसा नहीं दिया है, कोई सुनवाई नहीं है। इलाज आप चाहते हैं वो इलाज करा दें, जिस हिसाब से उन्होंने टक्कर मारी है, चोट पहुंचाया है, उसी तरह से इलाज करा दें। आप पुलिस थाने में आए हैं, क्या कोई मुकदमा दर्ज हुआ है? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। पुलिस से क्या मांगे? पुलिस से ये मांगे हमको, दूसरे वाली पार्टी को, बंदे को अरेस्ट करे और हमारा जो हमारा बंदा है उसमें एडमिट है उसका हमें इलाज कराए और उसको बुलाया जाए, वो भाई हमसे बात करे। वो कल से हमसे बात भी नहीं कर रहा बंदा और फोन भी नहीं उठा रहा और कह रहा है जो आपको करना है कर लो। मैं तो पुलिस से करूंगा, कार्रवाई करनी है। और गाड़ी कहाँ है? गाड़ी कहाँ? गाड़ी ये सामने खड़ी है। अच्छा, ये सामने खड़ी है। हाँ, चलो, पुलिस ने ये अच्छा काम किया कि गाड़ी को थाने ले आई है। पुलिस इस मामले में कब मुकदमा दर्ज करती है और आगे की क्या कार्रवाई होती है आपको बताया जाएगा। अगर वो इलाज कराने को तैयार हो जाता है, उसको फिर से सही सलामत कर देता है जो दूसरी पार्टी है जिसने चोट पहुँचाई है, तो ये लोग मान जाएंगे। ये लोग भी चाहते हैं कि इलाज कम से कम करा दो। गरीब आदमी है क्या? गरीब आदमी भैया, रोज दिनामान काम करते हैं, कोठी में काम करते हैं। वो लड़का क्या काम करता है? वो मिस्त्री, दिहाड़ी मजदूर है। अगर एक साथ, हाँ बच्चे भी हैं, दिखा दो, बच्चे हैं। हाँ, तो इनका कहना गरीब मजदूर हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं और अगर उसके इलाज में 2-3-4 लाख रुपए का खर्चा आता है तो ये लोग देने में असमर्थ है। एक मिनट, आप भी बाइक थे? आप भी बाइक पे थे? क्या नाम है आपका? अच्छा, आपको भी हल्की फुल्की चोट आई? आप आगे थे या पीछे? पीछे थे, पीछे बैठे थे। अच्छा अच्छा, इसको भी चोट आई है, इसको भी चोट आई है। जो भी बाइक पे थे उनको चोट आई और जो आगे था, जो राइडिंग कर रहा था, उसको ज़्यादा चोट आई है। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।